नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। सीएम नीतीश ने किशनगंज को दिया बड़ा तोहफा, जीविका दीदियों के लिए किया बड़ा ऐलान। तेजस्वी यादव का उपेंद्र कुशवाहा पर पलटवार, बोले जनता सब जानती है। सीएम नीतीश के बाद के पाठक मामले पर बोले तेजस्वी यादव, बोले ये बर्दाश्त करने लायक नहीं। उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में शामिल होने पर बोले सम्राट चौधरी, प्रस्ताव पर करेंगे विचार। गौतम अडानी मामले पर बोले सीएम नीतीश, मुझे कार्रवाई का इंतजार। शरद यादव का अस्थि कलश यात्रा मधेपुरा के लिए रवाना, तेजस्वी यादव सहित राजद नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। चिराग का सीएम नीतीश पर हमला, बोले सीएम के पास किसी भी समस्या का समाधान लाठी। पटना और रांची एनआईए ने मोतिहारी में की छापेमारी, 3 लोगों को हिरासत में लिया। गोपालगंज में दिन दहाड़े ज्वेलर्स को गोली मारकर 7 लाख की लूट, पिस्टल लहराते फरार हुए बदमाश। अब रोज 2 घंटे बिहार पुलिस सुनेगी लोगों की शिकायतें, डीजीपी आरएस भट्टी ने दिया बड़ा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। समाधान यात्रा पर निकले सीएम नीतीश कुमार शनिवार को किशनगंज पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में कई विभागों के अंतर्गत चल रही विकास कार्यों का जायजा लिया। वहीं सीएम ने करीब 53 करोड़ की लागत से बने नव निर्मित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने जीविका दीदियों से बात की और जीविका दीदियों से समाज सुधार के लिए और मेहनत से काम करने की अपील की। वहीं सीएम नीतीश ने इसके बदले में उनकी सैलरी भी बढ़ाने की बात कही। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वो लगातार सीएम नीतीश पर आरोपों की बौछार किए जा रहे हैं। उनके इन्हीं आरोपों को लेकर शनिवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि समझने वाला सब समझ रहा है, बोलने की क्या जरूरत है, लोग सब जानते हैं, इसीलिए इस पर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं लालू नीतीश पर कुशवाहा के आरोपों को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि इसको जस्टिफाई क्यों करना है, सबको पता है क्या काम हुआ है। बता दें कि कुशवाहा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि 35 साल के शासन में लालू नीतीश ने अति पिछड़ों और पिछड़ों के लिए कोई काम नहीं किया है। IAS KK पाठक द्वारा बिहार के लोगों और बिहारी अधिकारियों को गाली देने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। सीएम नीतीश के बाद अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने पहला वीडियो तो देखा था, लेकिन ये दूसरा वीडियो नहीं देखा है। ये सरासर गलत बात है, इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बता दें कि करक IAS माने जाने वाले KK पाठक का इन दिनों बिहारियों और बिहार के अधिकारियों को गाली देते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा था। वहीं उनका दूसरा वीडियो भी वायरल हो गया है, जिसमें वह बिहार के अधिकारियों के लिए जमकर गालियों वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में शामिल होने को लेकर बेगूसराय पहुंचे बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि वह राजनीतिक रूप से दूसरे पार्टी में काम कर रहे हैं, वह बड़े भाई हैं। अगर उनके तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर जरूर विचार किया जाएगा। वहीं KK पाठक के बयान को लेकर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहारी अस्मिता और बिहार के अधिकारियों को गाली दिया जा रहा है, ऐसे अधिकारियों को बिहार बर्दाश्त नहीं करेगी। हिजनबर्ग नाम की अमेरिकी फर्म ने जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह की कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष द्वारा हंगामा भी किया गया। वहीं सीएम नीतीश ने इस मामले पर किए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सब कुछ सामने आ चुका है, हम भी सुने हैं, उनके काम का कोई खास मतलब नहीं है, हमें भी इंतजार है इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। समाजवादी नेता रहे शरद यादव का अस्थि कलश लेकर उनकी बेटी शुभाषिनी और बेटे शांतनु शनिवार को पटना पहुंचे, जिसके बाद उसे RJD ऑफिस ले जाया गया, जहां डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर अस्थि कलश यात्रा को मधेपुरा के लिए रवाना किया। इस दौरान शरद यादव को याद कर डिप्टी सीएम भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि शरद यादव के निधन की खबर सुनकर हम लोग काफी मर्माहत थे, आज हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने हमेशा राजनीति में अव्वल कार्य किया है, वह लोगों के नेता थे, उनका योगदान अहम है। बता दें कि शरद यादव की अस्थि कलश यात्रा 5 फरवरी को शाम तक मधेपुरा पहुंचेगी। मधेपुरा में 6 फरवरी को BP मंडल स्टेडियम में प्रार्थना सभा आयोजित की गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी के नेता चिराग पासवान ने जहरीली शराब के मुद्दे पर एक बार फिर से सीएम नीतीश पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीएम कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन जो पिलाएगा वो क्या करेगा। सीएम नीतीश के शासनकाल में जो पिलाएगा वो मौज काटेगा।
शनिवार को रोहतास पहुंचे चिराग पासवान ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार खुद एक समस्या है, उनके पास लाठी के अलावा कोई समाधान नहीं है। आज समस्या का समाधान के लिए जब भी कोई सड़क पर उतरता है तो सीएम उसका समाधान लाठी से खोजते हैं। शिक्षक से लेकर छात्रों तक की सड़क पर पिटाई होती है, नीतीश कुमार क्या समाधान करने निकले हैं? पटना और रांची की एनआईए की संयुक्त टीम ने अगले सुबह मोतिहारी जिला के चकिया थाना क्षेत्र में आज छापा मारा, जहां मोतिहारी पुलिस के सहयोग से एनआईए ने चकिया के कुआवा गांव में छापेमारी कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि मोतिहारी पुलिस के अधिकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 8 लोगों को हिरासत में लेकर मोतिहारी पुलिस और एनआईए किसी गुप्त स्थान पर रखकर पूछताछ कर रही है। हालांकि एनआईए ने किस मामले में कार्रवाई की है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। बिहार के गोपालगंज में दिनदहाड़े हथियार बल पर ज्वेलरी दुकान से करीब 7 लाख की लूट हुई। फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार पर बाइक सवार बदमाशों ने आभूषण दुकान में दिनदहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं इसका विरोध करने पर आभूषण दुकानदार को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया और आसानी से हथियार लड़ाते हुए फरार हो गए। बताया जा रहा है कि 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने आभूषण दुकान पर धावा बोल दिया और गन पॉइंट पर दुकान में रखे अलमारी से करीब 7 लाख के आभूषण लूट लिए। वहीं लूट का विरोध करने पर गोली मार दी। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने निर्देश दिया है कि अब राज्य में हर दिन आईजी, डीआईजी और एसपी 2 घंटे का समय आम लोगों की समस्या को सुनने के लिए देंगे। उनकी समस्याओं का निपटारा कैसे होगा उसका समाधान निकालेंगे। बता दें कि पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि हर कार्य दिवस मतलब छुट्टी वाले दिनों को छोड़कर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक पुलिस के अधिकारी यानी कि आईजी, डीआईजी और एसपी उनके ऑफिस में आने वाले लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उसका निवारण करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।